नमस्कार, कैसे हैं? बहुत से हमारे दर्शक कहते हैं कि गुरु जी, मेरी जमीन नहीं बिक रही, मेरा घर नहीं बिक रहा, मेरा सामान नहीं बिक रहा, मेरी फला चीज नहीं बिक रही। तो आज हम बताएंगे आपको एक ऐसा उपाय कि अगर बार बार आपकी किसी सामग्री में, किसी वस्तु में, किसी प्रॉपर्टी में बिकने का अवरोध पैदा हो रहा, यानी बिक ना रही, तो आपको एक उपाय करना है। ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। आपको क्या करना, शनिवार को सूर्योदय के पहले जाना है। शनिवार को सूर्य उदय के पहले जाना है चौराहे पर, कहीं का चौराहा हो, कच्चा पक्का कोई चौराहा हो, वहां से 7 कंकड़ उठाना है। उठाते वक्त बोलना है, चौराहा देव होते, हर चौराहे के देवता होते हैं, उनको बोलना चौरस्ता देव, चौरस्ता देव उठो, जहां लगाएं, यानी जिस काम के लगाएं वो काम मेरा कर दो। काम होने के बाद आपका पूरा हक आपके इसी स्थान पर दिया जाएगा। उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूं, ये बोलकर आप 7 गिट्टी कंकड़ वहां से उठा लेना। और जैसे आप कंकड़ उठाओगे, उठाने के बाद वहां पर आपको क्या, 1 मीठा पान और 5 तरह की अलग अलग मिठाई रख देना है। अब इन कंकड़ को लाकर सफेद कपड़े में बांध कर उसके ऊपर सिंदूर के 3 बिंदी लगा देना। ये शनिवार को करना है। और इस पोटली को, आपका जो प्रॉपर्टी ना बिकरा वो किसी टाइप की प्रॉपर्टी हो, उस प्रॉपर्टी के साथ ही रख दें या बांध दें। जमीन हो तो गाड़ दें, गाड़ी घोड़ा हो तो बांध दें, मकान हो तो वहां बांध दें। समझ गए ना? ये सुबह ही सुबह करना, सूर्योदय के पहले ले आना और बांधना। आप दिन भर में 4-5 घंटे के अंदर, 12 बजे के अंदर ये पूरी क्रिया कर देना। इससे क्या होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अतिशीघ्र बिक जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, ये जैसे बिकेगी तो इसको 3 दिन के अंदर आपको चौरस्ता देव पे क्या देना है, 1 मीठा पान, शुद्ध जल, 5 तरीके की मिठाई, 5 पूड़ी और हलवा, ये पत्तल पर रखकर उनका हक वहां दे देना है और बोलना है, ये आपका जो हक था, आपने मेरा कार्य किया है उसके लिए। लेकिन ध्यान में, ये उपाय मैंने तो बता दिया, ये उपाय आप एज ए बिजनेस नहीं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, लॉ में बिकवा देता हूँ, वो आप जाके टोना टटका करो, तो ये सफल नहीं होगा। सिर्फ आपकी अपनी प्रॉपर्टी के लिए, आप दूसरी प्रॉपर्टी के लिए नहीं कर सकते। ध्यान रखना एक बात और बहुत जरूरी, सुन लो, इस समय आप लोगों के लिए कुछ अद्भुत चीज मैं बना रहा हूं। और देखिए, विश्वास और आप जैसे होता कि विश्वास करना, इसको कैसे माने, तभी माने जब अपनी आंखों से देख ले कोई चीज, बातों से बिल्कुल मत मोटिवेट हुई। तो मैं एक ऐसी चीज बना रहा हूं जो लोग अपने मुख में रखकर किसी भी काम के लिए, बिक्री के लिए किसी चीज का सौदा करेंगे, कोई बात करेंगे, कोई भाषण देंगे, किसी से याचना करेंगे, तो सामने वाला जो शब्द सुनेगा वो आपकी बातों को 99% फॉलो करेगा और उसको जो आपकी समस्या होगी, जो आपका अरदास होगा, जो आपकी याचना होगी, या जो डिमांड होगा, या जो सौदा तय होने का मैटर होगा, ये लोग राजनीतिक लोग या जो सामान बेचने वाले बिजनेसमैन या ब्रोकर या दुकानदार, इनके लिए बहुत बढ़िया छोटी सी चीज है। अब हम इसको कैसे माने गुरुजी कि ये सही है कि नहीं, तो इसके लिए आप अयोध्या उत्तर प्रदेश आ सकते हैं। हमारा पता है अयोध्या कैंट, ट्रेन से आना है, बस से आना तो फैजाबाद रोडवेज आना, बस से आना तो फैजाबाद रोडवेज, और अगर ट्रेन से आते हैं तो अयोध्या कैंट आना। दोनों जगह से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर रायबरेली रोड पर आदित्य नगर पड़ता है। आदित्य नगर आकर पैदल चलेंगे, पैगापुर गांव की तरफ मोड़ है, मुश्किल से 50 कदम चलेंगे, दहने हाथ देखेंगे गुरु जी का गुरुधाम है, उसके बगल अवनीस जनरल स्टोर, बड़ा बोर्ड लगा उसके पहले ही देखिएगा, गुरु जी का धाम है, संडे को बंद रहता है। और एनी डे सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। किसी प्रकार की समस्या हो, जानकारी चाहिए, हर वीडियो में मेरा नंबर दिया गया है, आप कॉल करके सुबह 9 से शाम को 5 बजे के बीच
समस्त प्रकार की जानकारी निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, उसका कोई शुल्क नहीं। समस्या सुनना निशुल्क, समाधान देना निशुल्क, सामग्री नहीं है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।